अमूल ब्रांड के तहत दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद बनाने वाली 18 डेयरियों का महासंघ गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इस साल के अंत तक कथित औषधीय गुणों वाले अपने बहुप्रतीक्षित ऊंटनी के दूध का बाजार में उतारेगा। आधे लीटर की होगी बोतल। महासंघ के प्रबंध निदेशक RS सोढ़ी ने बताया कि आधा लीटर की बोतल में इस दूध को सबसे पहले अहमदाबाद में और फिर अन्य स्थानों पर बाजार में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले ऊंटनी के दूध से बने चॉकलेट को बाजार में उतारा गया था और उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि ऊंटनी के दूध को बाजार में उतारने के लिए कच्छ जिला दुग्ध उत्पादक संघ यानी सरहद डेयरी के तहत बन रहे संयंत्र की शुरुआत में अभी 3 से 4 महीने लगेंगे। परियोजना से ऊंटनी के दूध की कीमत हुई दोगुनी। सरहद डेयरी के चेयरमैन बलमजी हमवाल ने बताया था कि ऊंटनी के दूध का व्यावसायिक उत्पादन अगले 3 माह में शुरू हो जाएगा। इसके संग्रह का काम पिछले साल के सितंबर माह से ही हो रहा है और लगभग 1500 लीटर दूध प्रतिदिन आनंद में चॉकलेट उत्पादन के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के चलते ऊंटनी के दूध की खरीद कीमत पूर्व से लगभग दोगुनी होकर ₹50 प्रति लीटर हो गई है।